इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी इफ स्टेटमेंट के हम प्रोसेसिंग में इफ स्टेटमेंट कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और ऑपरेटर और जो है उसका सिंबल हमारे पास इस तरह की टू लाइंस हैं और ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है और इसका बताऊंगी कि कैसे इसको और कहाँ यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले एक मैंने ये छोटी सी प्रोग्रामिंग जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी सेम मैंने लिखा है कि हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, ए बी दो वेरिएबल्स हैं, फ्रेम रेट हमने इसका 60 किया है, एक एलिप्स बन जाएगा हमारे पास और ये उसके फीचर्स हैं कि वो फिल हो जाएगा रेड से, स्ट्रोक उसका 255 और स्ट्रोक वेट 60 है। इसको मैं रन करवा के आपको दिखाती हूँ और ये आपको अच्छी तरह याद होगा क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको पढ़ा है। तो देखें आपके पास एक एलिप्स आ जाएगा जो के आपकी 600x600 का जो कैनवस है उससे जाके हिट होगा और वो चला गया, मूव होके आपका यहाँ मूव हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट ये है इस प्रोजेक्ट का कि ये एलिप्स यानी ये जो बॉल मूव हो रही थी ये यहाँ जब इस वॉल से बाउंस हो, इससे जब टकराए तो ये वापस आ जाए, यानी ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मूव होती रहे। इस वक्त जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लिखी हुई है इससे हमारी x और y एक्सिस से ये स्टार्ट हुई यानी 40 और 50 से और 1 का इंक्रीमेंट लेके ये पूरी x एक्सिस पे आपकी यहाँ हो गई। कैसे होगा ये बहुत आसान है। देखें अगेन मैं आपको ये कहूंगी कि जो हम नई चीज सीख रहे हैं उसको मैंने रेड कर दिया है ताकि आपको मालूम हो जाए कि सारी प्रोग्रामिंग सेम है। ये हमारे पास वेरिएबल सेट किए गए हैं, ये वॉइड सेटअप में साइज है हमारे कैनवस का, फ्रेम रेट 60 है, जो एक दफा आप लिख दें प्रोग्रामिंग के लिए तो उसको बार बार चेंज ना करें, ये फ्रेम रेट 60 है। वॉइड ड्रॉ में हमने एलिप्स के फीचर्स लिखे हुए हैं। मैंने क्या कहा आपको, हमारा पर्पस ये है इसमें कि बाउंस द वॉल एंड कम बैक, कि हमारी जो एलिप्स है बॉल है वो हिट करे वॉल पे और फिर आपके पास कम बैक आ जाए यानी टू एंड फ्रो मोशन करे। तो उसके लिए हमें ये इफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन लगानी होगी। मैंने लिखा है इफ इसी ब्लॉक में वॉइड ड्रॉ में, वॉइड सेटअप में आपने नहीं करना, वॉइड ड्रॉ में आपने लिखना है इफ, पैरेंथेसिस में आपने लिखना है ए इज ग्रेटर देन 600। देखिए ये ए है एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए है, अगर ये ए आपका किससे ज्यादा हो जाए 600। अब आप कहेंगे कि मैंने ये 600 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो विड्थ और हाइट है हमारी 600x600 का कैनवस है तो मैं इसकी विड्थ पे जहां तक जाएगा और फिर ये वापस आ जाए तो 600 इसकी यहाँ सेट है, इसलिए मैंने लिखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 600 तो क्या हो जाए ए इक्वल टू ए माइनस 1, जब वो 600 तक यानी कॉर्नर तक पहुंच जाए तो ए में से 1 माइनस हो जाए जो कि हो जाएगा 599। इसको मैं रन करवा के आपको दिखाती हूँ तो और ज्यादा बात आपको समझ में आएगी, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह लिखनी है। देखिए इसको जब हम रन करवाते हैं तो ये बॉल आपकी बिल्कुल जब यहां तक ये 600 है, जब 600 पे आए तो यहां की ये स्टॉप हो गई, राइट, मैंने स्टॉप नहीं करना, मैंने हमारा पर्पस ये है कि यहां से ये हिट हो और ये वापस आ जाए। मैंने इफ में क्या लिखा, इफ इज ग्रेटर देन 600, ये 600 है, जैसे ही इसमें 601 ऐड होगा मैंने कहा ये वापस आ जाए तो ये क्या हो रहा है ए माइनस 1, तो मैंने यहां पे हो गया कि इसमें एक ऐड हो जाएगा यानी जैसे ही यहाँ ये हिट होगी इसमें एक माइनस हो जाएगा 600 माइनस 1 और फिर एक ऐड हो जाएगा, ये लूप चल रहा है इस वक्त ए प्लस 1 ए माइनस 1 ए प्लस 1, यानी जैसे ही इसको वॉल को हिट होता है उसमें से 1 माइनस होता है और फिर 1 ऐड हो जाता है फिर 1 माइनस होता है। ये हमने नहीं करना, थोड़ी सी हमें इसमें चेंजेस करनी होंगी और ये बात याद रहे कि इससे आपके, मैं भी नेक्स्ट 2 स्लाइड के बाद आपको ये बताऊंगी। देखें ये बॉल हाफ इधर जाती है और हाफ आपको नजर आ रही है, इसकी भी रीजन बताएंगे, इसको भी हम फिक्स करेंगे, लेकिन अभी हम ये फिक्स कर रहे हैं कि ये हिट यहाँ से हो और यहाँ से वापस आए। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, इस स्लाइड में हमने ये एक्स्ट्रा चीज लिखी, रेड मैंने करके लिख लिया आपके लिए, नेक्स्ट में इसके लिए हमें एक अगेन हमें एक वेरिएबल सेट करना होगा। देखें और इसको भी मैंने ऊपर लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल है ताकि सारे ब्लॉक्स इसको देख सकें, फ्लोट इसका डाटा टाइप है ए डेल्टा,
देखें, डेल्टा हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगर हमें किसी चीज़ में चेंज चाहिए होता है, जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर में कितना चेंज है, यानी प्रेशर में कितना चेंज है, पहले टेम्परेचर 30 डिग्री था और अब 20 डिग्री हो गया, तो हम उसको डेल्टा से, ये हमने फिजिक्स को केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, तो चेंज के लिए इसलिए मैंने डेल्टा का वर्ड यूज़ किया है कि ये वेरिएबल है डेल्टा। ए डेल्टा इज इक्वल टू 1, और यहाँ जहाँ पहले मैंने लास्ट स्लाइड में ए माइनस 1 लिखा था, यहाँ मैंने लिख लिया ए डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1, यानी चेंज हमारे पास माइनस 1 का हो जाए। इसको भी रन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमने सॉरी कि जब हमने नया वेरिएबल सेट किया डेल्टा, तो उससे हमारे फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, बनाने हम क्या जा रहे हैं कि हमारी बॉल जो है वो वॉल से हिट हो और फिर दूसरी डायरेक्शन में आ जाए, राइट साइड पे आए। ये देखिए, यहां से ये टकराएगी और अब ये राइट या लेफ्ट पे आ गई, इसलिए देखिए यहाँ माइनस 1 है क्योंकि यहाँ से हिट हुई फिर रिवर्स साइड पे आ गई। अब यहां से हिट होगी ये और फिर क्या होगा, ओ ये तो यहाँ चली गई, हमें यहां से भी इसको वापस लाना है। ये नहीं है कि यहां से हिट हुई और फिर यहां जाके ये डिसअपियर हो गई, हमें टू एंड फ्रो मोशन करनी है। तो इसके लिए एक नया स्टेप होगा, वो भी बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना होगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे इफ देखें, यहाँ ऑलरेडी एक इफ था जो लास्ट स्लाइड तक हमने किया, यहाँ पे आपने इफ की एक और कंडीशन लगानी है, इफ ए इज लेस देन 0, क्योंकि जो हमारा कैनवस है, जब यहाँ से 0 है और यहाँ से 600 है सॉरी, जब 5 यहाँ पे 0 पे आ जाए, जैसे ही वो लेस देन 0 हो वो पलट के दूसरी साइड पे जाए, तो हमने इसके लिए ये लिख दिया। और ये इफ स्टेटमेंट जब भी आपकी रन होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। फिर हम इसके बाद एल्स इफ पे भी जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इफ में हैं, तो ये चीज इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। इसको भी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि दोनों साइड पे आपने कंडीशन इफ कंडीशन लगानी है, एक साइड पे आपने नहीं लगानी। अगर एक साइड पे लगाएंगे तो वो आपकी बॉल टू एंड फ्रो नहीं जाएगी बल्कि एक जगह जाएगी, और फिर देखिए अब यहां से जैसे ही ये ग्रेटर देन 600 होगी, फर्स्ट इफ कंडीशन ये 600 है, ग्रेटर देन होने लगेगी ये पलट के वापस आ जाएगी। और यहाँ पे है इफ लेस देन 0, जैसे ही ये 0 को टकराएगी और लेस पे जाने शुरू होगी वो पलट के आपके पास वापस आ जाएगी। यहां तक तो हमारी प्रोग्रामिंग बन गई कि हमने कैसे हमारी ये एलिप्स जो है वो एक साइड पे जाता है और वहां से दूसरी साइड पे आ जाता है। अब मैं आपको एक और अच्छा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर बताती हूँ कि सपोज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सपोज मैंने स्क्रीन साइज इंक्रीज कर दिया, मेरा तो 600 बाय 600 था, ये विड्थ है ये हाइट है। अब मैंने इसकी अपनी जो मेरी प्रोग्रामिंग थी उसकी मैंने सपोज 600 को के बजाय, विड्थ के बजाय मैंने 700 कर दी, ये 700 कर दी यहाँ पे मैंने, राइट। बाकी सारी प्रोग्रामिंग सेम है, सिर्फ मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, अब एलिप्स हमारा कैसा जाएगा, पहले वाली प्रोग्रामिंग हमारी 600 पे सेट थी, लेकिन जैसे ही ये 600 तक पहुंचेगा ये वापस चला गया। हमें तो 700 हो गई या 800 हो गई या 900, जो भी हमारी स्क्रीन का साइज है, हम चाहते हैं वो एक कॉर्नर से स्टार्ट हो, दूसरे को हिट करे और यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास देखें, जैसे ही मैं एक दफा और दिखा देती हूँ, जैसे ही ये 600 पे आएगा और ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, बहुत आसान है। एक चीज देखिए, मैं दिखाती जा रही हूँ आपके हो साथ साथ कि यहाँ पे सिर्फ मैंने साइज मेक स्क्रीन वाइडर, स्क्रीन हमने वाइडर की है, अब हमारी बॉल जो है वो हाफ वे से वापस चली जाती है। तो ये जो मैंने इफ कंडीशन लिखी थी, यहाँ पे पहले हमने लिखा था इफ ए इज ग्रेटर देन 600, वो उस सिचुएशन में था जब हमारी 600 हो, लेकिन मे बी आप उस बाद में उसको 800 कर दें, 900 कर दें, इसलिए आप यहाँ विड्थ का वर्ड यूज करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन विड्थ। ये हाइट का भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ आप विड्थ पे है क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही हम मूव करवा रहे हैं। तो हमने क्या करना होगा कि सिंपल, यहाँ हमने ए इज ग्रेटर देन 600 लिखा था पहले, अब हम विड्थ लिखेंगे। अब चाहे आपकी 800 हो जाए, आपकी 900 हो जाए, आपकी 1000 हो जाए, आपकी बॉल कॉर्नर तक जाएगी पूरा, जो भी उसकी विड्थ है आप कम कर दें ज्यादा कर दें, इसको मैं आपको कम भी करके दिखाऊंगी, जो भी इसकी विड्थ होगी ये वहां तक जाएगी। देखें ये 700 पे गई,
और फिर ये बाउंस होके वापस आई। अगर सपोज मैं इसको 400 कर दूं, आपने ये प्लेस के साथ खुद करना है, इसकी नंबर चेंज कर दें, इसके डेटा टाइप चेंज कर दें, इंट कर दें, देखें इसका साइज होगा उसके मुताबिक ही ये अब मूव करेगी। तो ये कितना सिंपल हो गया। चलिए विड्थ का फीचर आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ विड्थ लिखना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और एक नया फीचर सीखते हैं कि मेक द स्क्रीन बिगर, वाइडर हो गई आपके पास। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं, जो मैंने अभी बताया था कि बॉल आपको हाफ वे में नजर आ रही है। ये जो बॉल हमारी रन हो रही है, देखें यहां से ये यहाँ जाएगी, हाफ आपकी यहाँ हो जाएगी और हाफ देखें पूरा नहीं होती। ये नहीं होता कि ये इस कॉर्नर से टकराए और वापस आ जाए, ये हाफ जाती है और हाफ वापस आती है। ऐसा क्यों है और इससे हम इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखें ये जो हमारा ये हमारी एलिप्स है, ये राइट, ये हाफ तक यहां तक अंदर चली जाती है स्क्रीन के ये पोर्शन, यहां पे जब टकराती है तो ये वापस आती है। क्यों होता है ऐसे कि यहां से यहां तक ये वाली, इस पे डिपेंड करता है, ये 40-40 है, यानी इसका डायमीटर 40 है, तो ये हाफ वे यहाँ चला जाता है, 20 यहाँ रह जाता है और फिर ये मूव होता है। हम चाहते हैं नहीं, ये पूरा जब जैसे ही ये यहाँ पे आए बॉल हमारी बस यहाँ से टकराए और ये वापस चली जाए, तो ये इस इलिप्स पे डिपेंड करता है। इस वक्त मेरा इलिप्स जो है वो फोर्स का डायमीटर 40x40 है, यानी इसकी विड्थ और हाइट दोनों तरफ से 40x40 है, तो हम इसका 20 आगे चला जाता है और 20 पीछे रह जाता है, इसलिए हमने इसमें से माइनस विड्थ -20 करना होगा, राइट और क्या करना होगा, और चले और दूसरी साइड पे भी, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन है लेकिन मैं इसमें बता देती हूँ, और दूसरे साइड पे भी जो a इज लेसर देन 0 था, यहाँ पे भी ऐसे होगा, जब ये बॉल यहाँ आएगी तो यहाँ से भी ऐसे ही होता है कि ये 20 यानी यहाँ हो जाता है और 20 यहाँ हो जाता है। हम चाहते हैं कि नहीं कि पूरा यह जैसी बस इससे हिट हो और यह वापस चली जाए, तो पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था इफ a इज लेस देन 0, अब 0 नहीं है, मैं लिख दूंगी इसका हाफ कर दे, अगर ये 60 है तो आपने 30 करना होगा, और ये 80 है तो आपने 40 करना होगा। यहाँ मेरा 40 है तो विड्थ में से आप माइनस 20 करेंगे और a इज लेस देन 20 करेंगे। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगी, तो ये हमारी बॉल बिल्कुल जैसे ही उसे टकराएगी वॉल से, ये 700 की है, चलिए 700 कर लेते हैं, थोड़ी दूर चली जाएगी, फिर 6 कर देंगे। देखिए अब ये हाफ वे तक अंदर नहीं जाएगी, ये हिट हुई इसे और वापस आ गई, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके एलिप्स के डायमीटर पे डिपेंड करता है। जो भी आपने यहाँ लिखा है वो हाफ आपने विड्थ में से यहाँ माइनस, देखिए यहाँ से टकराएगी और हो गया विड्थ -20, और यहाँ पे भी आपने लिखना होगा a इज लेस देन 20। तो ये हमारी जो प्रोग्रामिंग थी, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हम सीख रहे थे कि हमारी बॉल यहाँ जाए और टकराए और वापस आ जाए और रुके नहीं, वो तो हो गया कंप्लीट। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे देखें मैंने आपके लिए क्या लिखा है। अब हम चाहते हैं, जैसे यहां मैं सपोज चाहती हूँ कि इसकी स्पीड मैं तेज करना चाहती हूँ, ठीक है, फ्लोट a डेल्टा इज इक्वल टू 1 है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी मैं कर दूं 6, तो यहाँ पे भी हमें 6 करना होगा, जहां जहां आपने डेल्टा का वर्ड यूज किया है वहां आपने इसको 6 करना होगा। ये भी 6 हो गया और ये भी हमारे पास 6 हो गया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप काफी जगह यूज करेंगे, मे बी एक दफा आपके भूल जाए आप चेंज करना, तो ये प्रोग्रामिंग इतनी सही नहीं ऐसे होती। हम देखें अब इसकी स्पीड तेज हो गई, लेकिन क्या हुआ कि हमने 3 जगह हमें ये सेट करना पड़ा, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखें यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दी, आगे चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि a डेल्टा, ये जो हमारा वेरिएबल था, ये हम कह देंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय a डेल्टा, यानी जैसे ही ये यहाँ आए और ये टकरा के वापस आपके पास आ जाए, फिर यहाँ से ये यहाँ चला जाए, तो हम यहाँ a डेल्टा लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखा है। अब ये नहीं होगा कि आपने इसकी वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं आप, यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, बस एक दफा वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी और ये सब पे इफेक्ट हो जाएगी। तो इसको देखें मैं कॉपी यहाँ करती हूँ और फिर हम इसको यहाँ रन करवाएंगे, तो ये बात बिल्कुल वही होगी जैसे पहले हमारी बॉल रन कर रही थी,
लेकिन जैसे ही यहाँ से ये हिट होगी या माइनस वन इंटू ए डेल्टा, ए डेल्टा सिक्स है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारी बॉल मूव हो गई। लेकिन देखिए माइनस वन यहाँ पे भी मैंने लिखा, माइनस वन मैंने यहाँ पे भी लिखा, अगर हम इसको उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगी या माइनस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ से भी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ या माइनस डेल्टा हो जाएगा, बात वही है क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करके वही चीज रहेगी। अब मैं इसको रन करवाती हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत, आपने जितनी भी कोशिश करें जितनी भी छोटी हो सके उतनी करनी होती है, वरना वो छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो भूल जाते हैं। देखिए अगर माइनस वन को डिलीट कर दे तो भी ये हमारा ऐसे ही बॉल मूव करेगी। और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने यही लिखा है कि माइनस वन को यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। राइट, आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ मैंने इसकी स्पीड चेंज की है, लेकिन अब मैंने आपको बताया जैसे यहाँ हमने लास्ट स्लाइड में दो इफ स्टेटमेंट लिखी थी, इफ ए विड्थ इज ग्रेटर देन विड्थ माइनस 20 तो ये हो जाए। अब देखें ये वाली लाइन ए डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस डेल्टा और ए डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस डेल्टा, इफ कंडीशन के ये पार्ट दोनों सेम है तो हम इनको दोनों को मिला सकते हैं, हम इसको कंपाउंड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ये इतनी चार पांच लाइनें लिखने के बजाय हम इसको सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल करने के लिए और ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि आज का टॉपिक भी था, और ऑपरेटर। ये सिंबल जो है ये और को रिप्रेजेंट करता है। आपने क्या करना होगा, इफ ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है, राइट, यहां से तो मैंने स्पीड चेंज की थी, ये चीज एक्स्ट्रा आई है। इफ आपने लिखना है ए इज ग्रेटर देन विड्थ माइनस 20 जो पहली इफ कंडीशन थी वो ट्रू हो, और या और में ये होता है कि दोनों में से एक, या ये आपकी ट्रू हो ए इज लेस देन 20 तो ए डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए डेल्टा। ए डेल्टा का मीनिंग है एक तरफ से जाएगी हिट होगी और फिर दूसरी तरफ से वो पलट आएगी। यहां से हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, चले यहां से स्पीड मैं इसकी 4 कर देती हूँ इस दफा। लेकिन ये है देखें, इसको कंपाउंड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया कि देखें 1 2 3 कितनी लाइंस थी ये, इसको हम एक लाइन भी लिख सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन विड्थ माइनस 20 ये एक कंडीशन बन गई, बीच में और का ऑपरेटर डालें, साथ में ये कंडीशन लिखें और ये लिख लें आप ए डेल्टा, ये जो है लाइन हमने नेक्स्ट लिखी थी, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब हम इसको रन करवाते हैं और ये फाइनल स्लाइड है हमारी, इसके बाद हमारी इस लेसन की प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां से मैंने स्पीड चेंज की, यहां बिल्कुल मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। वेरिएबल का यही काम होता है कि एक जगह आप वेरिएबल असाइन कर दें, उसकी वैल्यू जो भी कर दें, इसकी वैल्यू हम अगर सपोज 7 कर देते हैं और फास्ट कर देंगे तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा और ये तेज आपकी बॉल मूव होगी। तो इस लेसन में हमने सीखा कि इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग जितनी भी हो सके आप उसको बहुत ज्यादा छोटा करने की कोशिश करें, जो भी आपके इफ स्टेटमेंट है 3-4 उसको आप कंपाउंड इफ स्टेटमेंट में लिख लें। इसकी स्टेप बाय स्टेप आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा क्वेश्चन है पॉइंट जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं, साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत